सारे लोग परसों लोकमत की एक न्यूज थी कि हमको दोनों शिवसेना ये बोल रहे हैं आपस में कि हमको जो है अभी MIM से खतरा नहीं है, हमको अगर किसी से खतरा है तो वंचित बहुजन अघाड़ी से खतरा है। तो ये खतरा क्यों भाप रहे हैं, ये खतरा क्यों भाप रहे हैं? अभी वकील साहब ने आपको जो है सारा ये जो है वोटों का स्टीमेट समझाया है कि किस तरीके से वोट कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अगर मुसलमान का वोट किसी एक मुसलमान की तरफ वन साइड जाता है जिसके पास दूसरे समाज का वोट है, तो मैं समझता हूँ वो आसानी से चुन के आने वाला है। ये जितने उम्मीदवार खड़े हैं, एक उम्मीदवार कहता है कि मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को उखाड़ के फेंक दूंगा, एक उम्मीदवार का सदर ये कहता है कि मैं जो है बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मुझे बड़ा फख्र है कि बाबरी मस्जिद शिवसैनिकों ने तोड़ी, एक जो है ये है कि मुझे औरंगजेब से, एक सदर महाराष्ट्र का वो पार्टी का है जो कहता है कि मुझे औरंगजेब से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो शिवाजी का मावड़ा हूं। तो ये सारे पार्टियां अगर आपके सामने हैं, ये तीनों पार्टियों की जो है मैंने जहनीयत का अंदाजा आप लोगों को कर चुका हूं। वंचित बहुजन अघाड़ी की जहनीयत ये है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने सबसे पहले 2021 में प्रकाश अम्बेडकर साहब ने पैगंबर बिल जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, घर शेर खजस्ता को औरंग बनाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, घर शेर खजस्ता को औरंग बनाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, इस बार इलेक्शन में ये बैग दिखाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, हमदर्द गरीबों का तालीम कशदाई, हमदर्द गरीबों का तालीम कशदाई, मिल्लत को यकजहती उसने ही तो सिखलाई, फिर आज बिखरने से हमें खुद को बचाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, घर शेर खजस्ता को औरंग बनाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, वंचित की ताकत है, टीपू की शुजात है, वंचित की ताकत है, टीपू की शुजात है, और फिरका परस्तों पर एक लख्त मुसीबत है, अब कौम फरोशों से मिल्लत को बचाना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, घर शेर खजस्ता को औरंग बनाना है, जावेद को लाना 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 है, टूटे हुए रास्ते है वीरान पड़े स्कूल, टूटे हुए रास्ते है वीरान पड़े स्कूल, नाकाम दवा खाने कमजोर हुए हैं पूरी, काश किसे कहते गए दुनिया को बताना है, जावेद को लाना है, जावेद को लाना है, जब वक्त आज के इस जलसे में मुंबई से आए हुए बशीर हाजी साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के शहर सदर नदीम पटेल साहब, एडवोकेट खान सलीम खान और मुजफ्फरनगर के तमाम जिम्मेदारों, अजीज तरीन साथियों, इलेक्शन के अब आखिरी लम्हे में इलेक्शन जा रहा है, 24 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, उसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के भी शिवसेना शिंदे ग्रुप, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप और MIM के लोग हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी है,
बीएसपी है और बहुत सारी पार्टियों के लोग खड़े हैं, कुछ आजाद उम्मीदवार भी खड़े हैं। इतने सारे लोगों में 24 लोगों में से आपको एक उम्मीदवार चुनना है, मैं ये पूरे 24 उम्मीदवार को ये चैलेंज करना हूं कि वो कोई बता दे कि कोई दूसरे समाज का वोट वो बल्क में थोड़े बहुत 2-5 सौ वोट 1000 वोट जो है अगर खरीद के लेके आ रहे हैं तो बोल रहे कि हमारे को दूसरा समाज का वोट दे रहा, ऐसा नहीं। कोई ऐसी कौम बता दो, प्रदीप जायसवाल साहब को बता दो कि तुम कौन सी दूसरी कौम के वोट ले रहे हिंदुओं के अलावा, वो बाड़ू थोड़ा खड़े हुए वो कौन सी कौम के वोट ले रहे हैं हिंदुओं के अलावा, MIM के उम्मीदवार बता दे कि मुसलमानों के अलावा वो किसके वोट ले रहे हैं। लेकिन मैं जावेद कुरैशी आपको बताता हूं कि मेरी कोशिश है कि मुसलमानों के वोट भी मुझको मिले। वंचित बहुजन अघाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह वोट मुझको मिल रहा है, OBC का वोट उसमें शामिल है, ST का वोट उसमें शामिल है, ये तमाम वोटों को मिलाकर जो है एक बड़ा वोट बैंक अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है और ज्यादा इसमें कवी इम्कान जो है इसमें आसानी से जीत के जो इस तरफ जा रहे हैं। सारे लोग परसों लोकमत की एक न्यूज थी कि हमको दोनों शिवसेना ये बोल रहे हैं आपस में कि हमको जो है अभी MIM से खतरा नहीं है, हमको अगर किसी से खतरा है तो वंचित बहुजन अघाड़ी से खतरा है। तो ये खतरा क्यों भाप रहे हैं, ये खतरा क्यों भाप रहे हैं? अभी वकील साहब ने आपको जो है सारा ये जो है वोटों का एस्टिमेट समझाया है कि किस तरीके से वोट कहाँ जाने वाले हैं लेकिन अगर मुसलमान का वोट किसी एक मुसलमान की तरफ वन साइड जाता है जिसके पास दूसरे समाज का वोट है तो मैं समझता हूँ वो आसानी से चुन के आने वाला है। ये जितने उम्मीदवार खड़े हुए, एक उम्मीदवार कहता है कि मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को उखाड़ के फेंक दूंगा, एक उम्मीदवार का सदर ये कहता है कि मैं जो है बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मुझे बड़ा फख्र है कि बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने तोड़ी, एक जो है ये है कि मुझे औरंगजेब से, एक सदर महाराष्ट्र का वो पार्टी का है जो कहता है कि मुझे औरंगजेब से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो शिवाजी का मावड़ा हूं। तो ये सारे उन पार्टियां जो आपके सामने हैं, ये तीनों पार्टियों की जो है मैंने जहनीयत का अंदाजा आप लोगों को कर चुका हूं। वंचित बहुजन अघाड़ी की जहनीयत ये है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने सबसे पहले 2021 में प्रकाश अम्बेडकर साहब ने पैगंबर बिल पेश किया है असेंबली के अंदर, तो ये महाविकास अघाड़ी के लोग यहाँ मौजूद थे, हुकूमत थी उनकी 2021 में, वो पैगंबर क्यों, वो बिल क्यों मंजूर नहीं करे उनको आप पूछिए। ये बहुत थोड़ा जब तुम्हारे पास आएगा तो उसको पूछिए। ये जो है MIM के जो वहाँ पे 2 MLA थे वहाँ पर, उन्होंने उसकी तारीफ क्यों नहीं गई, उनसे पूछिए सवाल। ये लोग आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए तो उनसे सवाल कौन पूछेगा, उनसे पूछो। वो बालू थोड़ा जाएगा तो तुझे तो फख्र था बाबरी मस्जिद को शहीद करने में और तू मुसलमानों से वोट मांगने के लिए अब आ जा रहा है, ये क्या तमाशा है। लेकिन एक प्रकाश अम्बेडकर साहब है जिन्होंने पैगंबर बिल पेश करे, अल्लाह ताला ने किसी दूसरे मुसलमानों को भी किसी MLA को या MP को ये तौफीक अता नहीं की कि वो जो है MLA पैगंबर बिल पेश करे। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब काम लेने को आया तो किसी गैर से भी काम लेता है, अल्लाह ताला ने अम्बेडकर साहब को बहुत चुना और उन्होंने एक पैगंबर बिल पेश करा जो आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं और उनको सजा नहीं हो रही है। तो एक ऐसा बिल पेश किया गया, पूरे हर मजहब का जो भी महापुरुष रहेगा अगर उसकी कोई बेइज्जती करता है तो उसको 3 से 7 साल की सजा का उसके अंदर जो है प्रोविजन रखा गया है कि 3 से 7 साल की सजा होगा। अब अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगी जुर्रत करता है तो ये बिल अगर पास हो जाता है तो 3 से 7 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन अजीज तरीन सालों मैं आपको वही बता रहा है, एक की जहनीयत ये है कि वो औरंगजेब की खबर को उखाड़ने की बात करता है, एक की जहनीयत ये है कि वो बाबरी मस्जिद की शहादत पे फख्र महसूस करता है, एक की जहनीयत ये है कि वो कहता है कि मुझे औरंगजेब से लेना देना नहीं है, वो आए गेरे मेले गिले सब खत्म हो गए। ये जहनीयत के 3 उम्मीदवार जो वोट ले सकते हैं यहाँ पर वो आपके सामने खड़े हैं और एक वंचित बहुजन का उम्मीदवार जावेद कुरैशी आपके सामने खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि आप किसको वोट देंगे, ये जहनीयत वाले लोगों को वोट देंगे जिन्होंने जो है हमारे बुजुर्गान दीन की बेइज्जती की है, या उनको वोट देंगे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बेहुरमती की है, ऐसे लोगों को क्या हम सहारा देंगे, ऐसे लोगों को वोट देंगे। इतना जबरदस्त समीकरण आज फिर आपके सामने चुन के आ गया। 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर ये समीकरण आप लोगों के पास था, सेम, इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं है। पार्लियामेंट में भी तो ये समीकरण से हारने के चांसेस बन सकते थे, लेकिन इस असेंबली के इलेक्शन के अंदर हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह जीत यकीनी है। मुसलमानों का इत्तेहाद एक बार फिर यही समीकरण के ऊपर टिक जाता है तो मैं ये समझता हूं कि यहां से कोई उम्मीदवार हारने वाला है। इसलिए कि दोनों शिवसेनाओं के तंबू में घबराहट पड़ी है कि अगर अब हम क्या करें। इसलिए जो है एक शिवसैनिक ऐसा डरा ये इत्तेहाद से कि उसने बोला नहीं, मुझे 2014 की जैसी सूरत हाल लग रही है कि तनवानी कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ। लेकिन मैं बोलता हूं तनवानी, तू अगर कितने भी लोगों को एक कहा तो ये जो समीकरण है हमारे पास इसको तू हरा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हरा सकता। आप जो है अगर कोई जो है अलजबरा का उम्मीदवार स्टूडेंट होगा या मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो उसको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा कि 39% मुसलमानों के वोट इस शहर इस मध्य के मतदान में है और 19% वंचित बहुजन अकाली का वोट है। यानी ये दोनों मिलाए तो हम 58% होते हैं अधिस्तारियों। अगर वोट की गिनती करें तो 1,30,000 मुसलमानों के पास वोट है और उसके बाद जो है 70,000 वंचित बहुजन अकाली के पास आते हैं। 3,70,000 वोटों में हमारे पास 2,00,000 वोट है। कौन हराएगा हमारे को? आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत आसान समीकरण, जीतने के लिए कोई मुश्किल करने की जरूरत नहीं, कोई मुश्किल मरहला नहीं है हमारे लिए जीतने के लिए। अगर मुसलमानों की ख्यालत को इस शहर औरंगाबाद में बाकी रखना है तो इस समीकरण को अपनाना पड़ेगा। यह आसान समीकरण आपके पास आया है, दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद का यह इतना आसान समीकरण आपके पास आया है कि इसको ये पूरे लोग भी मिल गए। अगर शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी जो है मन से ये जितनी पार्टियां ये पूरी एक अगर मिल गए तो ये दो कौमे के इत्तेहाद को हराने में नाकाम हो सकते, नहीं हरा सकते, मेरा दावा है। इसलिए कि 58% एक जगह और 42% एक जगह। अब अंदाजा करो कहीं तालमेल नहीं हो रहा हमारा। हम 6-7% आगे निकल गए। हमारी जरूरत है, मैं जहां जहां जो है वंचित बहुजन अघाड़ी के जलसों में जा रहा है। आज जो है दीननगर बौसिंगपुर में सुबह में मैं गया था, जबरदस्त जलसा हुआ। हमारे दलित भाइयों के अंदर, वंचित के लोगों के अंदर एक अजब किस्म का जज्बा और जोश है कि वो जो है वोट डालने को जो है बेचैन हो रहे हैं। अभी मैं आपके पास आने से पहले जो है सिद्धार्थनगर में था, ये जो मेरे साथी यहां पर खड़े हैं वहां का नजारा अगर आप मेरी वीडियो में भी देखेंगे तो आप अंदाजा करेंगे। कोई नहीं, उनके घर के लेडीज ऐसा सामने आके जो है वो हमारी जो है इस्तकबाल कर रही है, कभी आरती उतार रही है, कभी हमको शक्कर खिला रही है और कह रही है कि अब तुम जीत गए। और वो इस भरोसे पे कह रही है कि जावेद कुरैशी तुम जीत गए कि उनको लग रहा है कि मुसलमान जावेद कुरैशी के साथ है। और मुझे यहां इस जलसे में ये नजारा देख के महसूस हो रहा है इंशाल्लाह कि मुसलमान जावेद कुरैशी के और जीत गए। ये समीकरण को आप अच्छी तरीके से गौर करिए और गौर फिक्र के बाद वोट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहां से मुस्लिम क्यादत बाकी रहे तो बाकी रह सकती है। पिछले टाइम हमने खड़ के वोट दिया था, पिछले 2019 में हमने खड़ के वोट दिया था। 68,000 वोट यहां के उम्मीदवार ने दिया था और हार गया था। पूर्व से 80,000 वोट वहां के उम्मीदवार गफ्फार कादरी ने लिया था और हार गया था। और जब इतना बड़ा वोट लेके जाने के बाद हार जाने तो आपको जीत के वोट होना, तो जीत के वोट कौन किसके पास थे? जीत के वोट अमित भुईगढ़ के पास थे। 27,000 वोट अमित भुईगढ़ के पास थे। अगर वो 27,000 वोट मिल जाते थे तो हमारा उम्मीदवार कभी भी हार नहीं सकता था। तो वो 27,000 वोट को आज अमित भुईगढ़ कहता है कि जावेद कुरैशी तुमको 27,000 वोट मिले थे, अब आपको जो है 35,000 वोट मिले। तो मैं ये 35,000 वोट लेके आ रहा है। लोग कह रहे कि वोट काटने को आया, वोट काटने को आया। अगर मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आप लोगों के बीच में आता था
तो आप मेरे ऊपर शक शुरू करते थे, मुझको मशकूक नजरों से जरूर देख सकते थे, लेकिन अजीज तरीन साथियों मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आपके बीच में नहीं आया, मैं उन लोगों के वोट आप लोगों के बीच में लेके आया जो लास्ट टाइम जो है वो अलग निकल गए थे, वो मौलक हो गए थे, उसकी कोई हैसियत नहीं बाकी थी, वो वोटों को मैं जीत का वोट मानकर आप लोगों के पास लाया हूं। आप लोगों को फैसला करना है कि अब मुस्लिम उम्मीदवार को जिना जिताना है, मुस्लिम खिलाफत को औरंगाबाद शहर में बाकी रखना है, तो यही एक समीकरण बाकी है जो आप लोगों को मुस्लिम खयानत को यहाँ पर खराब रख सकता है। नहीं तो आपने देखे कि 68,000 वोट लेके हम हार गए, 80,000 वोट लेके हार गए, इतना वोट हम दे इतनी ताकत से इतनी मेहनत से इतना पैसा खर्च कर करके हम पूरी नीयत से दे रहे, लेकिन हम हार जा रहे मेरे दोस्तों मेरे यारों। अब हमको जीतना है तो हमको इस समीकरण के साथ चलना पड़ेगा, एक कौन का वोट से एक उम्मीदवार चुन के नहीं आ रहा है। मैं बार बार आप लोगों के जहन को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास एक सपोर्टिंग वोट होने की जरूरत है और वो सपोर्टिंग वोट हमारे पास वंचित बहुजन अघाड़ी की शक्ल में है, इसलिए गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1,30,019 में इम्तियाज जलील को वोट दिए उन्होंने, अभी 70,000 अफसर खान को वोट दी उन्होंने और आज जावेद कुरैशी को वोट देने की बारी आई इंशाल्लाह, तो जावेद कुरैशी भी 30-35,000 वोटों से उनके कम नहीं देगा। आगे की बारी आपकी है, आप इस 30-35 से कितना आगे जाते हैं, कितना आगे निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है शिवसेना के जो है अंदर जो है बड़ी हलचल पैदा हुई कि हम ये तो किस तरीके से देख रहे हैं, उन्होंने जो है दलित एरियो के अंदर वोटों का अधिकार लगा दे रहे हैं। अभी हमने अंजलि ताई जो है अम्बेडकर साहब की जो है बीवी है वो आए थे, उन्होंने अपने दलित भाइयों से कहा कि इतने पैसों के लिए अगर वोट बेच देंगे तो फिर तुम्हारी हैसियत क्या बाकी रहेगी। तुम्हारा लोग बहुत लंबी गुफ्तगू हुई है, वक्त कम है, मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके जहनों को इसलिए झुंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेहतरीन वक्त आप लोगों के पास आया है कि ये समीकरण की जीत पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक नया इंकलाब, सियासी इंकलाब पैदा करेंगी, एक नई थर्ड फ्रंट पैदा करेंगी, मुसलमानों के वोटों की ताकत को मनवाया जाएगा, गिनाया जाएगा, ये सारे वसायल है। उसके बाद शहर औरंगाबाद के अंदर तरक्की के नाम पर जिनको हमने वोट दिया था, क्या तरक्की हुई आप बताइए मुझे, आज 8 दिन 10 दिन के बाद आप लोगों को पानी नसीब हो रहा है, क्यों यहाँ 8 दिन 10 दिन के बाद पानी नसीब हो रहा है, क्यों जो है इतने दिनों से ये 12-15 साल से जो पैरेलल लाइन का काम रुका हुआ है वो क्यों पूरा नहीं हो रहा है, ये 325 करोड़ का प्रस्ताव 2740 करोड़ में क्यों चले गया, कौन पूछेगा क्या हम ऐसी सुमन बुकमन नोमियन अंधे बहरे गूंगे बन के जिंदगी गुजारेंगे। इन सवाल को आप, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप वोट देते हैं तो सामने वाले का गरेबान पकड़ो कि ये 15 साल से पानी नहीं है, 10 साल हमने इन लीडरों को दिए, 10 साल में हम वो लोग पानी मुहैया नहीं करा सकते। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो अभी कालरा पकड़ लेना मेरे कि कितने दिन के बाद आप लोगों को पानी आता है, कितने दिन के बाद, हाथ उठा के बताइए आप कितने दिन के बाद आता पानी, 8 दिन के बाद आपको पानी आता था, 12 साल पहले 1 दिन 2 दिन आड़ पानी आपको आया करता था, ये सवाल क्यों नहीं करेंगे हम, वो जो लोग आएंगे आपसे वोट मांगने उनसे सवाल क्यों ना किया जाए कि वोट तो पूरी जो है मेहनत से आपको दिया, पूरे इखलास से दिया, पूरे जज्बे से दिया, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारों की सदा में हमने वोट दिया तुम लोगों को और तुमने हमको पानी के लिए बर्दाश्त कर दिया, पानी हमको नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन अजीज तरीन साथियों बहुत मसाइल है, मेरा वोट, मेरे एक दिली ख्वाहिश है इस शहर में, ये जब यहाँ पर पहले इम्तियाज जलील साहब एमएलए बने थे उस टाइम जो है मैं यहाँ पर वो एमआईएम का जिला सदर हुआ करता था, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप 5 साल में एक काम कर दीजिए और वो काम था आम खास के मैदान को स्टेडियम बना दीजिए, हमारे माइनॉरिटी के और दलितों के एरिए में खेलने के लिए वो ये ग्राउंड बाकी है जहां से नेशनल प्लेयर हमारे जो है निकल के आए हैं, जो हम यहाँ पर है क्रिकेट के भी क्या फुटबॉल के भी क्या, वो स्टेडियम बन रहा है, मेरी दिली तमन्ना है वो स्टेडियम बनने की, मेरा ही प्रस्ताव था उनको दिया हुआ, ये मैंने ही कहा था उनको, क्योंकि उनको चुना के लाने में मेरा भी बहुत बड़ा रोल था,
तो मैंने कहा था कि इस स्टेडियम को, इस आमखास मैदान को स्टेडियम बनाए। 10 साल, एक बार एमएलए हो गए, एक बार एमपी हो गए, वो स्टेडियम आज तक नहीं बना। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, 6 महीने में आपको एक दिन और पानी इंशाल्लाह ला के दूंगा। इस औरंगाबाद के आमखास मैदान को बेहतरीन स्टेडियम तामीर करने के लिए इस 5 साल में पूरी जद्दोजहद करूंगा कि वहाँ बेहतरीन स्टेडियम बन जाए। उसके अलावा जो हमारे नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान आजकल जो है चेन्नई में, पुणे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में जो है सर्विसे कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर सर्विसेस नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एक आईटी हब बने, एक बेहतरीन आईटी हब बने। जो लोग बाहर सर्विस को जा रहे हैं औरंगाबाद के अवार्ड, वो इस शहर में यहाँ पर नौकरी दे। बहुत सारे प्लानिंग है जिस तरह, साथियों वक्त की कमी है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा और जीत के आने के बाद मौका मिलेगा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके साथ करके जाऊंगा इंशाल्लाह। आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि इस बार इस समीकरण को जिता दीजिए। आपका ये एक वोट, आपका ये एक वोट जो है इंशाल्लाह असेंबली में जाएगा, और अगर असेंबली में जाएगा तो मेरा पहला जुमला मैं हर जगह कह रहा हूँ कि पहला जुमला असेंबली में अगर कोई निकलेगा तो वो पैगंबर बिल के हक में निकलेगा, उसके बाद फिर सारे लोग। शुक्रिया।